ये देखना बहुत ही प्यारा सा सूट लेकर आई हूँ, पार्टी वियर सूट है मल्टी दुपट्टे के साथ, और कुर्ती भी बहुत ही प्यारी सी, इसके ऊपर भी डिजाइन किया है बहुत ही प्यारा सा। और ये मैंने ये इसके ऊपर लेस नहीं लगाई है, अलग से डिजाइन किया है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैंने किस तरह से डिजाइन किया है इसके ऊपर। और पहनने के बाद तो बहुत ही प्यारा सूट लगा है हमारा। और अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिवाय स्टिचिंग। ये देखना, ये मैंने दुपट्टे के लिए फैब्रिक लिया है, शेफून फैब्रिक है ये, और ये गोटा लिया है, और दूसरी ये समोसा लेस भी ली है, और साथ में ये लेस लिया है जो दुपट्टे के चारों तरफ लगानी है। और ये मैंने कुर्ती का मटेरियल लिया है, और ये हमारी कुर्ती है, और ये अलग से मैंने ये फैब्रिक लिया है 3 कलर का, और दुपट्टा मैंने इसी से मैच किया है। इसी तरह से हमें डिजाइन बनाना है, जिस तरह से दुपट्टे में डिजाइन कलर होंगे उसी तरह से हमें कुर्ती के ऊपर डिजाइन बनाने हैं। ये लेस ली है, ये कुछ बटन लिए हैं, और देखना आज हम बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम दुपट्टा तैयार करेंगे। ये जो 3 कलर के मैंने ये पीसेस लिए हैं दुपट्टे के, मैंने 1-1 मीटर के पीस लिए हैं, क्योंकि मुझे इनकी अच्छे से सीध करनी है। देखना इस तरह से, क्योंकि ये काट कर दे देते हैं, उसमें अच्छे से सीध भी नहीं हो पाती। इस तरह से हम ये कट करेंगे तो हमारी अच्छे से सीध आ जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा कट करना, और ऐसे हाथों की हेल्प से इसे कट कर देना है इस तरह से, और हम ऐसे फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे भी कट करेंगे, क्योंकि 1 मीटर का फैब्रिक है, और ये आधी आधी मीटर का हो जाएगा, कुछ कम आधी मीटर का हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से मैंने सीध भी किया है ना इसकी, तो कुछ कम ही आधी मीटर के ये दोनों हो जाएंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड की सीध करनी है, और इस तरह से फिर सेंटर से हमें इस तरह से कट कर देना है। देखना आधी आधी मीटर के हमारे पीस बनकर रेडी हो चुके हैं इस तरह से। देखना एक साथ हम इन्हें किस तरह से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे जब हम ज्वाइंट करेंगे तो हमें धागा भी उसी कलर का मिलाना होगा, मैच करना होगा, कि जिससे कि हमारी सिलाई जो है नीचे की ओर ना दिखे, और दुपट्टा हमारा बहुत बेकार लगेगा। अगर हमारे दूसरे कलर की सिलाई आ गई तो वो नीचे की ओर दिखेगी, तो हमारा दुपट्टा बहुत बेकार लगेगा। और देखना किस तरह से हम ये फोल्ड कर रहे हैं, बहुत ही बारीक फोल्ड कर लेना है, दोनों को ज्वाइंट करेंगे और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। और देखना ये मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ, बारीकी फोल्ड कर लेना है, और ज़्यादा खींच के नहीं रखना है, हमें ढीले हाथ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। सारे को हमने ज्वाइंट कर दिया है, देखना किस तरह से हमने ज्वाइंट किया है। पहले हमने ग्रीन रखा है, फिर हमने ब्लैक, और फिर मजेंटा, और इस तरह से आप ये कलर मैच करते हुए आप इस भी रख सकते हैं, बना सकते हैं। और देखना ये सिलाई जो है, ध्यान से देखना जौन सी सिलाई मैं लगा रही हूँ, ये सिलाई जो है ऊपर की ओर रखेंगे, जो हमने सिलाई लगाई है नीचे की ओर हम सिलाई नहीं रखेंगे, कि हमारा बहुत बेकार लगेगा दुपट्टा। और जो हमारी सिलाई है उस सिलाई के हाफ सिलाई पर हम ये लेस रखेंगे, तो क्योंकि हमें दूसरी साइड से भी सिलाई रखनी है। ये देखना उस सिलाई के हाफ सिलाई के ऊपर हम ये रखेंगे, और खास करके ये ध्यान रखना कि हमारा धागा उसी कलर का होना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर का धागा तो सेम ही एक ही रखेंगे, क्योंकि लेस में गोल्डन धागा रखेंगे, क्योंकि लेस में मैच करेगा गोल्डन धागा। और देखना हाफ सिलाई के ऊपर हाफ लेस रखी थी, और दूसरी साइड से भी लेस रख देंगे, और तभी अच्छी लगेगी, और हमारी जो सिलाई है वो अंदर की ओर चली जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे बारीक करने पर भी इसकी जो यहाँ पे समोसा लेस है वहाँ पे भी हम सिलाई डबल डबल लगाएंगे इसके ऊपर, और जब और भी अच्छी लगेगी, अच्छे से प्रेस हो जाएगी ये सिलाई, तो दूसरी सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। और देखना यहाँ पे भी हम इसी तरह से लगा लेंगे, और देखना ये बारीक करनी पर भी हमने ये सिलाई लगा ली है, और हमारे दुपट्टे पे ये लेस हमने रेडी कर ली है जॉइंट पर इस तरह से। और हम बाकी का लगाएंगे बारीक गोटा। ये देखना मैं बारीक गोटा किस तरह से लगाऊंगी दुपट्टे के ऊपर। और हमने यहाँ पे 2 इंच के करीब हमें लेना है, यहाँ पे हमें गोटा रखना है, और इसी तरह से हम पूरे जॉइंट पर हम इस तरह से गोटा लगाएंगे। इसे गोटा लगाने से ये हमारा दुपट्टा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखना एक साइड में हमने लगा दिया, क्योंकि वो भी ब्लैक है, और नीचे का धागा भी ब्लैक है, और यहाँ पे भी धागा ब्लैक है, और इस साइड में ही हम लगाएंगे। फिर हम मर्जेंटा धागा रखेंगे नीचे की ओर, फिर हम मर्जेंटा के ऊपर ये इस तरह से लगाएंगे गोटा। ये देखना दुपट्टा हमारा बन चुका है, इस तरह से हमने डिजाइन कर लिया है इसके ऊपर। ये देखना ये डिजाइन करने के बाद कुछ इस तरह से लगाया है ये दुपट्टा हमारा,
और हम इसके चारों ओर लेस लगाएंगे। दुपट्टा जो है हमें उल्टा रखना है और लेस को इसके ऊपर इस तरह से रखनी है जिस तरह से मैं रख रही हूँ, इस तरह से लेस को रखना है। इस तरह से लेस लगाना बहुत ही आसान है और कोई भी मुश्किल नहीं है, देखना आराम से। अगर हम और तरह लेस लगाते हैं वो हमें पूरे दुपट्टे को फोल्ड करना पड़ता है, लेकिन हमें फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आसानी से लग जाएगी। ऊपर की ओर इस तरह से पलटेंगे और दूसरी सिलाई इसके ऊपर ऐसे लगा लेंगे, और ये देखना ये कोना हम ऐसे दबाएंगे दोनों साइड से और यहाँ पे ये कोना बन जाएगा। ये देखना इस तरह से, ये देखना पूरी सिलाई, देखना नीचे की ओर वही कलर है और वही धागा है, और देखना कितना प्यारा सा हमारा दुपट्टा रेडी हो चुका है। देखना कितना प्यारा सा, हमने लेस भी लगा ली है इसके ऊपर और हमारा दुपट्टा रेडी हो चुका है। अब बनाएंगे हम कुर्ती। कुर्ती की हमने कटिंग कर ली है, जो हमारी फिटिंग है हमने उसके हिसाब से ये कटिंग कर ली है, और जो हमने ये अलग से फैब्रिक लिया था इसे हमें डिजाइन बनाना है। और सबसे पहले हमने जो डिजाइन बनाना है हम वो डिजाइन कट करेंगे। ये फैब्रिक लेंगे और यहाँ पे हमने निशान लगाना है 2-2 इंच पर, 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये देखना मैं किस तरह से कट करूँगी, यहाँ पे 2 इंच पर निशान लगा लिया है, और यहाँ पे क्योंकि हमें पूरी पट्टी काटनी है 2-2 इंच के निशान से, यहाँ पे इस तरह से कट करूँगी, और देखना इसी पट्टी से हम पूरी पट्टियाँ हम कटिंग कर देंगे। ये देखना जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। हमारी पट्टियाँ जो हैं एक साथ आएंगी, कोई ऊपर नीचे नहीं आएगी। इस तरह से कट करने से बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से कट करने का। पूरी पट्टियाँ हम इसी तरह से कट कर लेंगे इसी पट्टी से। ये देखना ये हमारी पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं, और इन हमें इन्हें एक साथ जॉइंट करना है इस तरह से मैच करते हुए। हमने ग्रीन रखा है और ये यहाँ पे मैजेंटा रखा है, और हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है इसकी। साथ में हमने ब्लैक रखा है और यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हमने पूरी पट्टियों को इसी तरह से जॉइंट कर लेना है, इसी तरह से हम डिजाइन तैयार करेंगे। देखना यहाँ पे ग्रीन लगा लेंगे, फिर से मर्जेंटा लगाएंगे, इसी तरह से हमें पूरी पट्टियाँ जॉइंट करेंगे। ये देखना ये पट्टी हमने जॉइंट कर ली और अच्छे से हम इसके ऊपर प्रेस भी करेंगे, और ये जो भी हमने जॉइंट वहाँ पे लगाएंगे हम ये बारीक गोटा, पूरे पे हम इसी तरह से बारीक गोटा लगा देंगे। ये देखना इस तरह से ये हमने बारीक गोटा लगा दिया, और हमने अच्छे से प्रेस भी इसके ऊपर कर लिया है। ये देखना इस तरह से, और हम इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे इतना फोल्ड करेंगे हम, ज़्यादा फोल्ड नहीं करेंगे, इतना तिरछा हमें फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, ये देखना इस तरह से, इस तरह से हम प्रेस करेंगे और कट कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से कट करना है, यहाँ पे ये प्रेस का निशान है, वहीं पे हम कट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तिरछा डिजाइन बनाएंगे तो बहुत ही बेकार लगेगा। और इस तरह से थोड़ा सा तिरछा हमें डिजाइन बनाना है, ज़्यादा तिरछा नहीं हम रखेंगे क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखना ये हमने जो हमने फोल्ड किया है ना, ये हमने फोल्ड किया है 2.5 इंच का, 2.5 इंच का हम ये फोल्ड करेंगे तभी हमारा अच्छे से डिजाइन बन पाएगा। इस तरह से हम प्रेस करेंगे, ये हम पूरी पट्टियाँ जो है ना प्रेस की हेल्प से कटिंग करेंगे। ये देखना हमने ये पट्टी हमने कट करेंगे, यहाँ पे भी इस तरह से जहाँ पे प्रेस का निशान आया है वहाँ पे इसे कट कर लेंगे, और इसी कटिंग से हम पूरी पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। ये देखना इस तरह से पूरी पट्टियाँ हमने कटिंग कर ली है इस तरह से। ये देखना एक साथ हम इन्हें पूरी को एक साथ हम ज्वाइंट कर देंगे। ये बाकी की एक छोटी जो ये बची है ये हमने मापी है 10 इंच की, 10 इंच की हम ये यहाँ पे रखेंगे। ये हमने कुर्ती के सेंटर में निशान लगा लिया है, और नेक हमने गोली रखा है, और यहाँ पे भी एक निशान हम लगा देंगे। ये हमने 10 इंच की जो पट्टी बनाई थी वो हमने यहाँ पे सेंटर में रख देंगे, और एक लंबी सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे, लंबी सिलाई लगा देनी होगी हमें यहाँ पे।
इस तरह से हम दोनों साइड की सिलाई करने के बाद ये सिलाई हम निकाल देंगे और यहाँ पे हम ये नेक पिनअप करेंगे दोनों साइड से। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रहूं। और मुझे कमेंट में बताना कि हमारा ये डिज़ाइन बनने के बाद कैसा लगा है। बहुत ही न्यू डिज़ाइन है, बिल्कुल अलग डिज़ाइन है जो हमने रेडी किया है, और बनने के बाद कैसा लगा है ये डिज़ाइन कमेंट में ज़रूर बताना। और देखना, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम निकाल देंगे आधे इंच के करीब छोड़ते हुए। और छोटे छोटे कट लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक लंबी सिलाई हम लगा लेंगे। तुरपाई करने के बाद वो सिलाई हम निकाल देंगे। ये देखना इस तरह से। और इसके ऊपर हम एक लेस लगाएंगे, क्योंकि लंबी सिलाई तो हमने लगा ली है। और देखेंगे, हम ये लेस लगाएंगे इसके ऊपर और इसी लेस से ये हमारी सिलाई नीचे की ओर ढक जाएगी, दिखेगी भी नहीं और हमें तुरपाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें लेस के ऊपर डबल सिलाई लगा देनी है। ये देखना इस तरह से। बहुत ही प्यारा नेक लगेगा, सिंपल भी है और खूबसूरत भी है। और देखना कितना प्यारा सा हमारा नेक बन जाएगा इसे लेस लगाने से, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये नेक। यहाँ पे भी इस तरह से कोना बनाएंगे। देखना इस तरह से कोना बना लेंगे और हमें डबल सिलाई लगा देनी है। ये देखना, हमने डबल सिलाई भी लगा दी है। और यहाँ पे ये हमने धागा निकाल लेना है। ये देखना इस तरह से। और यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। ये देखना, मैं रख के दिखाऊंगी कुछ बटन आपको। यहाँ पे इस तरह से अलग अलग खाने में एक एक बटन हमें लगा देना है इस तरह से। ये देखना, कुर्ती की हमने फिटिंग लगा ली है, शोल्डर की सिलाई भी हमने लगा ली है। हम दामन पर जो चाक पर हम बारीक इस तरह से फोल्ड करेंगे, पूरी मशीन की हेल्प से हम फोल्ड करेंगे, हम तुरपाई नहीं करेंगे। क्योंकि तुरपाई करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे और हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि वो हमारे पता भी नहीं चलेगा इस सिलाई का। और देखना, जो हमने ये जॉइंट की थी पट्टी, हम इस तरह से इसे एक एक फोल्ड करेंगे ऐसे। हम इसके ऊपर पीको भी कर सकते हैं, यहाँ पे अवरलॉक भी कर सकते हैं और इस तरह से हम फोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखना, हमने सबसे पहले हमें दामन पर लगा देनी होगी, एक साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। हम ब्लैक धागे से ही फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके ऊपर लेस लगानी है। ये देखना, हम दामन पर इस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले हम दामन पर लगाएंगे, फ्रंट दामन पर इस तरह से लगा लेंगे। और ये देखना, ये कोना यहाँ पे किस तरह से बनेगा, क्योंकि मैं ऐसे तो घुमा नहीं सकती, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखना, यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये देखना इस तरह से, और फिर देखना यहाँ पे इस तरह से करेंगे और चाकू पे लगाएंगे। सिलाई हमें बारीक करनी पर लगा देनी होगी। ये देखना, चाकू पे हम किस तरह से लेस ये लगाएंगे, ये डिजाइन बनाएंगे। देखना इस तरह से।
और इसी बाकी भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखना हमने पूरी फ्रंट और बैक पर ये लगा ली है, ये फैब्रिक लगा लिया है और ये इसके ऊपर हम ये लेस लगाएंगे। बाकी आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। आप भी इस तरह का पार्टी वेयर सूट बना सकती हैं। ये देखना यहाँ पे चाकू पे इस तरह से लगाएंगे लेस, यहाँ पे कट करेंगे और इस साइड से ले लेंगे दोबारा से और फिर ये लेस लगाएंगे यहाँ पे। और एक साइड में हमने लेस लगा दी है और दूसरी साइड में भी हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। ये देखना कितना प्यारा सा हमारा डिज़ाइन बन चुका है। इस तरह से ये लेस लगाने से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखना इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से कट कर दिया है हमने और दूसरी साइड से भी हम रखेंगे। हम घुमा के भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ पे हमें घुमानी होगी वहाँ पे हम ये लेस घुमाएंगे और जहाँ पे हमें कट कर देनी है वहाँ पे हम ये कट करेंगे लेस। ये देखना फ्रंट और दामन पर ये इस तरह से हमने लेस लगा ली है। ये देखना ये डिजाइन और लेस हमने लगा ली है इस तरह से। ये देखना ये हमारी स्लीव्स हैं, स्लीव्स पर भी हमें इसी तरह से डिजाइन बनाना है। और ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे। ये देखना ये मेरे पास में ये लेस है जो मैंने दामन पर लगाई है, ये मेरे पास में छोटा सा पीस बचा है क्योंकि स्लीव्स पर नहीं आ पा रही हैं और मार्केट में जाने का इतना वक्त नहीं है मेरे पास में। और तो मेरे पास में ये समोसा लेस पड़ी हुई थी, मैंने सोचा मैं इसके इस पे यही लगा दूं फिलहाल के लिए। ये देखना दोनों साइड में हमने ये लगा दी है। और उसके बाद मैं क्योंकि मुझे वीडियो तैयार करनी थी और इसके बाद जब मैं मार्केट जाऊँगी तो मुझे इस तरह की लेस मिलेगी तो मैं बाद में ये लेस निकाल दूँगी और वही लेस मैं इसके ऊपर लगाऊँगी जो मैंने दामन पर लगाई है लेस, वही लगाऊंगी मैं इसके ऊपर भी लेस, स्लीव्स के ऊपर भी। ये देखना इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करेंगे और ये देखना हमारी स्लीव्स भी हमने लगा ली है और नेक हमने रेडी कर लिया है बटन लगाने के बाद। देखना कितना प्यारा सा नेक बन चुका है और स्लीव्स भी हमने लगा ली है। ये हमने बनाए हैं बैक डोरी, ये बहुत ही आसान है बैक डोरी बनाना और बैक पर हमने लगा ली है। ये देखें मेरा सूट बनकर रेडी हो चुका है और मुझे कमेंट में बताना कि मेरे पास में ये शरारा रखा हुआ था मैंने वही पहना है। और मुझे कमेंट में बताना कि इसके नीचे शलवार ज़्यादा अच्छी लगेगी या ट्राउज़र अच्छा लगेगा, ये शरारा ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, थोड़ा सा हिंट देना। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।